आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया में अखिल भारतीय दुस्साध महासभा धनबाद जिला की एक बैठक नुनुडिखी स्थित अंबेडकर क्लब में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला के प्रधान महासचिव सुखदेव पासवान ने की। बैठक में मुख्य रूप से नुनुडिखी के एनबीसीसी कॉलोनी स्थित कुंदनधारी के घर पर हमलावरों के द्वारा गोली मारकर घायल कर देने की घटना की कड़ी निंदा की गई। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना प्रशासन की विफलता दर्शाता है। इस घटना को लेकर के पासवान महासभा धनबाद के निवर्तमान एसपी से मिलकर इस घटना में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करेगा। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। हम लोग अखिल झारखंड दुसाध महासभा पूरा जिला से बैठक किए हैं। बैठक इस बात का है कि नुनुडिखी प्रगाबाद में 28 अगस्त को जो घटना घटी, ये गरीब परिवार के लड़का कुछ अपद्रवी लोग जो आकर पी खाकर जो है गोली चलाना यानी उसको जान मारने की नीयत से जो घटना को अंजाम दिया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन की विफलता इसमें नजर आती है। और प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, उसको कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये बहुत बड़ा नाकामी है। और हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। और हम लोग आज बैठक किए हैं कि इस सप्ताह के अंदर में हम लोग डीएसपी साहब से भी मिलेंगे, सिटी एसपी से भी मिलेंगे और एसएसपी साहब जो नया आए हैं इस घटना की पूरी जानकारी देंगे। और अभी तक अपराधी जो घूम रहा खुले आओ उसको तत्काल गिरफ्तार करके कानूनी दंड दिया जाए, और नहीं तो हम लोग रोड पर उतर के आंदोलन करने को बाध्य जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि अभी अभी जो यहाँ पर 28 तारीख का जो मैंने सघन हत्या करने का पूरा पूरी प्रयास किया गया और श्री पासवान पर जो गोली चलाई गई जान मारने की मैंने कोशिश की गई, तो अब तक जो है कोई भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर दहशत का माहौल फैला हुआ है। लोगों में लोग भयभीत हैं, लगता है कि फिर ऐसा मैंने पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम लोग आज का जो बैठक किए हैं इस पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की हम लोग मांग करेंगे। इस स्थिति से डीएसपी से थाना से अभी हम लोग फिलहाल थाना में भी जा रहे हैं और यही कामना के साथ हम। आज 10 दिन हो गया, किसी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तक तो किसी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इसका लगता है कि मैंने प्रशासन की ओर से काफी ढील बरती जा रही है। और ये कब तक होगा? ये झारखंड में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये गरीबों का झारखंड देश है, लेकिन लगता है कि अपराधियों का मन झारखंड देश हो गया। कहीं ना कहीं प्रशासन ढील है, बिल्कुल ढील है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखदेव प्रसाद पासवान हुआ, मैं महामंत्री हूँ आपके झारखंड।